जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के फिजिकल कब होंगे और फिजिकल के एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसको लेकर आपके लिए बड़ी खबर है दोस्तों। एसएससी ने कल शाम को ऑफिशियल नोटिस जारी किया था, इसमें दोस्तों आपके लिए बड़ी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस आया है सीपीओ की पीईटी डेट का, तो अब दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी के फिजिकल कब होंगे और फिजिकल के एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे। पूरी जानकारी देखते हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आगे भी इससे जुड़ी पल पल की अपडेट आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। अब दोस्तों आप ये देखिए, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर 8 तारीख को नोटिस आया है। इस जैसे इस नोटिस के ऊपर क्लिक करते हैं, नोटिस दोस्तों डाउनलोड हो जाता है। अब दोस्तों इसमें सब्जेक्ट देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफएस एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2018। यहां पर दोस्तों नीचे फिजिकल के बारे में बताया गया है। यहां पर दोस्तों बताया गया है पीईटी एंड पीएसटी इन रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफएस एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2018 इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स ऑफ सीएपीएफएस 22 जुलाई 2019 टू 31 जुलाई 2019। जी हां दोस्तों, 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक फिजिकल चलने वाले हैं एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन के, यानी कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफएस के। तो दोस्तों देखिए, 22 जुलाई से 31 जुलाई का मतलब जुलाई के लास्ट वीक में आपके फिजिकल होने जा रहे हैं। द एडमिट कार्ड ऑफ पीईटी एंड पीएसटी विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ रीजनल ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। यानी कि दोस्तों पीईटी के जो एडमिट कार्ड है वो एसएससी की जो अलग अलग रीजन की वेबसाइट है उनके ऊपर जारी किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों एक बात और, एक डाउट और दूर हो जाता है, जो आपके एसएससीजीडी के फिजिकल के एडमिट कार्ड है वो भी एसएससी की वेबसाइट के ऊपर ही आने वाले हैं, सीआरपीएफ या सीएपीएफएस की वेबसाइट के ऊपर नहीं आएंगे। तो दोस्तों देखिए, अब फिजिकल डेट की एसएससीजीडी की बात करें तो दोस्तों इस एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन का जो भी काम हुआ है, रिजल्ट देख लो, एग्जाम को छोड़ दें, रिजल्ट देख लो चाहे नॉर्मलाइज मार्क्स, वो सभी एसएससीजीडी से तुरंत पहले हुए हैं। अब दोस्तों यहां पर एसएससीजीडी के जो फिजिकल हैं वो इसके फिजिकल खत्म होने के बाद में शुरू होंगे। यानी कि दोस्तों 31 जुलाई के इसके फिजिकल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में दोस्तों 15 अगस्त से पहले तो आपके जीडी के फिजिकल नहीं होंगे, ये बात तो तय है और ये बात हमने आज से बहुत दिन पहले भी आपको बता दी थी। दोस्तों एसएससीजीडी के फिजिकल हैं वो अगस्त के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। फिर दोस्तों एसएससीजीडी में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है तो उसके फिजिकल कई दिन चलने वाले हैं, लगभग 1-1.5 महीने तक, वो बात अलग है। लेकिन अगस्त के लास्ट वीक तक फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और फिर वो सितंबर के लास्ट वीक तक चलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप ये मान के चलो कि आपका जो फिजिकल की तैयारी करने का आपके पास समय है वो अगस्त के 20 तारीख तक का ही है, उसके बाद में आपका फिजिकल कभी भी हो सकता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इसके नॉर्मलाइज मार्क्स जब आया था, रिजल्ट जब आया था, उससे तकरीबन 2 महीने बाद फिजिकल हो रहे हैं, तो एसएससीजीडी के भी लगभग 2 महीने ही लगने वाले हैं, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक तक। तो दोस्तों देखिए, फिजिकल डेट की बात तो हो गई है और पीईटी के एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, पीईटी के एडमिट कार्ड है वो आपके फिजिकल शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले तक आएंगे, बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं आएंगे। यानी मान लो एसएससी सीपीओ के 22 जुलाई से फिजिकल शुरू हो रहे हैं तो इसके एडमिट कार्ड लगभग 10 दिन पहले 12-13 तारीख के आसपास ला सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जीडी के भी फिजिकल के एडमिट कार्ड 15 अगस्त 20 अगस्त के आसपास जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये थी आपके लिए पूरी जानकारी, अब तो आपके उनमें फिजिकल से जुड़ा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब आपकी तारीख है वो लगभग फिक्स ही हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी जानकारी मिल सके। और ऐसे एसएससीजीडी कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हुआ है और आगे की पल पल की अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।